आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। अमूल ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। दरअसल अमूल ब्रांड के तहत मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये कीमतें देश भर के सभी बाजारों में 3 जून 2024 से प्रभावी होगी। GCMMF ने कहा कि दूध के ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कुल लागत में बढ़ोतरी के मद्देनजर आज से सभी प्रकार के अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। GCMMF ने अपने बयान में कहा कि 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का मतलब MRP में 3 से 4% की बढ़ोतरी है, जो औसत खाद महंगाई से काफी कम है। फरवरी 2023 से अमूल ने प्रमुख बाजारों में ताजा पाउच दूध की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की है। वहीं बताया जा रहा है कि अमूल एक पॉलिसी के तहत मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर्स द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक रुपए का लगभग 80 पैसा मिल्क प्रोड्यूसर्स को देता है। मूल्य संशोधन से हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए दूध की कीमतें बनाए रखने और उन्हें हायर मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। नई दरों के अनुसार अमूल गोल्ड 500 ml की कीमत 32 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गई है। अमूल गोल्ड 1 लीटर की कीमत 64 से बढ़कर 66 रुपये हो गई है। इसी तरह अमूल ताजा 500 ml की कीमत 26 से बढ़कर 27 रुपये हो गई है। अमूल शक्ति 500 ml की कीमत 29 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई है। वहीं अमूल दूध की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा, देखे ये वीडियो। तो इसमें क्या हो गया, वो तो बढ़ता रहता है, महंगाई तो चलती रहती है। हमें देश के लिए क्या देखना चाहिए, जो प्रॉब्लम देश का बर्निंग प्रॉब्लम है उसको देखना चाहिए ना। दूध तो क्या 1 रुपया 2 रुपये आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पान खा के 50 रुपये का पान खा के वैसे थूक देते हैं, हजारों रुपया होटल जाए अंदर जाके खर्चा करके आ जाते हैं, वहां कोई पूछता नहीं, ऊपर से 50 रुपया टिप भी दे के आते हैं। तो क्या मतलब है, 2 रुपये बढ़ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं है, बराबर है। उसको नहीं पोसाता होगा तभी बढ़ाया होगा ना, जानबूझ के तो कोई थोड़ी बढ़ाता है पैसा, तो उसको भी बिजनेस तो करना ही है ना। आपका नाम? विष्णु कुमार है मेरा नाम। विष्णु कुमार जी, अमूल ने दूध की ब्रांडों में 2-2 रुपये बढ़ा दिए, शक्ति से लेके गोल्ड से लेके सबने, क्या मानते हो? अभी एक्चुअली तो क्या है कि महंगाई तो सभी जगह बढ़ रही है, लेकिन अभी ये तो गवर्नमेंट का या अमूल का डेयरी का कुछ क्या सीक्रेट था मालूम नहीं, लेकिन जैसे इलेक्शन पूरा हो जाता है और दाम बढ़ा देते हैं। अभी मैंने आज सुना है कि वो दूसरे किसी में भी वो दाम बढ़ाते हैं, पेट्रोल में है या किसी में है, टैक्स और रोड टैक्स में भी। तो अभी तो क्या गवर्नमेंट का क्या प्लान है या अभी मालूम नहीं पता, लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है। एक्चुअली वो अभी छोटे आदमी के लिए तो बहुत तकलीफ की वाली बात है, और ये एक साथ 2-2 रुपया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये 50-50 पैसे 1-1 रुपया तक बढ़ाएगा ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसलिए ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। ये तो एक साथ 2-2 रुपया बढ़ाता है तो बहुत फेयर नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है आम आदमी के लिए। अमूल ने जिस तरह से 2 रुपये दाम बढ़ा दिया आज से, और इलेक्शन भी अभी खत्म हुआ, क्या मान रहे हो कि किस तरह से आपको सही लग रहा है कि नहीं? अब तो बढ़ना है तो बढ़ेगा ही, सही तो क्या बोलेंगे इसको। अब सारी चीज में रेट बढ़ रहे हैं, बोलते सब आफ्टर इलेक्शन इट इज ऑल गोइंग अप, पहले इलेक्शन के बाद सब बढ़ा रहे हैं बोले। अभी एक मेंटेलिटी भी हो गई वो, अब बढ़ना तो बढ़ेगा, खर्चा सबका बढ़ रहा है, आदमी का नहीं बढ़ रहा है, हम लोग का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, बाकी सब चीज पे बढ़ रहा है, महंगा तो है।